करंट लगने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हुई मौत। मुरादाबाद के बुद्धि विहार में आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की करंट लगने से उस समय मौत हो गई जब वो अपने घर में लगे इन्वर्टर का स्विच ऑफ करते समय बिजली की चपेट में आ गए, जिसके बाद घर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मुरादाबाद नगर निगम की लापरवाही के चलते बुद्धि विहार सेक्टर 2 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जान चली गई। दरअसल आज सुबह हुई बरसात के कारण पूरे इलाके में पानी भर गया था, क्योंकि नगर निगम द्वारा समय रहते नालों की सफाई नहीं कराई गई थी। तो सुबह ही इलाके के सभी नाले चौक हो गए और नालों का पूरा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते आज हुए बड़े हादसे से इलाके के लोग सहम गए। दरअसल बरसात के चलते घर में बिजली से बचाव हेतु विकास त्यागी ने अपने घर में लगे इन्वर्टर का स्विच ऑफ करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उन्हें हाई वोल्टेज करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। घर में चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत से घर में हंगामा मच गया। विकास त्यागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और लॉकडाउन के चलते इन दिनों अपने घर बुद्धि विहार में रह रहे थे। उनके 2 बच्चे हैं। उनकी मौत की खबर सुनते ही आसपास के लोग घर पर जमा होने लगे। इसी बीच क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप प्रभाकर भी पहुंच गए और नगर निगम से गाड़ी मंगवाकर पानी की निकासी शुरू करवाई, लेकिन नगर निगम की घोर लापरवाही उजागर होने से इलाके के लोगों में खासा गुस्सा देखने में आया है। वहीं मृतक के भाई ने भी पूरी घटना के लिए नगर निगम को ही जिम्मेदार ठहराया है। क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पर आज सर ये बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद यहाँ पर घरों में पानी भर गया। यहाँ पर अचानक पानी भरने से हमारे ये मेरे बड़े भाई हैं श्री अंबा सिंह त्यागी जी, उनके सुपुत्र हैं छोटे विकास त्यागी, ये यहाँ यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर है, घर आए हुए थे। वहाँ पर लॉकडाउन के चक्कर में घर में गए थे। यहाँ पर अचानक एकदम बारिश का बहाव इतना तेज हो गया, यहाँ पानी भर गया, इन्वर्टर में करंट आ गया, जिसकी वजह से इनकी नगर निगम की भी लापरवाही इसमें यहाँ पानी भर गया घरों में। नगर निगम की तो लापरवाही है, अगर इतनी जब पता चल रहा है कि जिनसे बारिश हो रही तो उसको एकदम जल्दी से जल्दी उसका अगर निस्तारण किया जाए। इनके परिवार में कौन कौन लोग थे? इनके परिवार में सभी हैं सर, यही लगाइए कि माता भी पिताजी भी हैं, भी रिटायर हैं। आपका? मेरा नाम हेमंत है जी। क्या घटना हुई आज? अभी पानी भर गया तो करंट लगा। कौन सी जगह है और कहां पर घर है? बुद्धि विहार सेक्टर 2। तो किसकी लापरवाही सामने आई इसमें? इसमें लापरवाही तो इसकी नगर निगम की लापरवाही है, सारा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर। तो सभी मकानों में पानी भर गया था? ये सारे घरों में भरा हुआ है, पूरे बुद्धि विहार में भरा हुआ है। इससे पहले भी शिकायत की थी कभी नगर निगम में घरों में पानी? शिकायत कर चुकी है। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है जी। अरविंद जी, क्या घटना हुई आज यहाँ पर? घटना ये हुई कि सुबह बारिश हो रही थी ज़्यादा, और पानी का ज़्यादा पानी भरने की वजह से घर में पानी भर चुका था। इन्वर्टर का स्विच निकालने गए, जिससे पानी मतलब जिससे लाइट घर में ना रहे, तो उसी वजह से इनके ज़्यादा शॉक लगने के कारण इनके साथ ये हादसा हो गया। और थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि नगर निगम की इतनी गलती है कि भाई ये जो नालियाँ बंद पड़ी हैं, आगे नाली का कोई फ्लो नहीं है, नालियाँ बनी हुई नहीं है, एक जगह से बंद करा रखा है उसने, कोठी वाले बंद करा रखा है, बंद कर रखा है नालियों में, जिससे घरों में पानी भर जाता है। इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं नगर निगम? कई बार शिकायत कर चुके हैं नालियों की, नालियों में कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। पार्षद है यहाँ पर आप, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना हमारे गुरु जी रामपाल देवी, उनके बेटे का सोलह हो गया है। तो किस तरह से घटना हुई है यहाँ पर, किसकी लापरवाही सामने आई है? भाई अभी क्योंकि अभी जो मैं जब सूचना मिली तो मैं पहला मिला मुझसे था कि जो घर में पानी है वो हम धुआएँ, गाड़ी बुला के मैंने पानी धुआया था। और घटना की मैं बात करता हूँ पूरा अभियान में। परिवार का मानना है नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, और आपसे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं क्षेत्र के लोग, यहाँ पर पानी भर जाता है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं सुनवाई तो लगातार चल रही, क्योंकि पानी भरने का एक थोड़ा सा रिजल्ट डाल दीजिए कॉलोनी थोड़े दिन गहरे में, यहाँ अक्सर पानी भरता है, और क्योंकि पंप चलते हैं तो पंप से पानी खींचता है। क्षेत्रवासियों को तो ये मानना है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं घरों से पानी अभी निकल भी रहा है, सभी घरों में पानी भर जाता है। उनका कहना है पार्षद जी से लगातार बार बार हम लोग कह रहे हैं मगर कि कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार सुनवाई होती है, क्योंकि मेन कारण है क्योंकि कॉलोनी थोड़ी सी गहरी है और जब बरसात होती है तो पानी भरता है। तो मानते हैं बरसात तो अभी ज़्यादा देर की हुई भी नहीं, जितना पानी अगर घरों में भरा है तो लापरवाही है यहाँ पर नगर निगम की, ये बताइए? हाँ लापरवाही। तो इसमें क्या क्षेत्रवासियों के साथ क्या करेंगे आप, शिकायत की जिक्र करेंगे? इसकी जो भी कहीं अगर कमी उस कमी दूर करिए।